नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू एयर चैनल में। आज हम यस बैंक के बारे में बात करेंगे। यस बैंक अभी कितना नीचे जाएगा, लेने लायक है या नहीं है, फ्यूचर इसका क्या होगा, इन सभी बातों पे हम गौर करेंगे। आप अपने कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज जो ये शेयर जिस जो इसने लो बनाया है वो 157.40 का बनाया है, और जो अभी ये और भी नीचे जा सकता है क्योंकि लाइव चल रहा है। अभी सुबह के 11:30 बज रहे हैं, और जो हाई गया है 165.45 गया है, 52 वीक्स का लो जो गया है 146.75 का गया है, और जो हाई गया है 404 का गया है। तो ये अपने बॉटम पर ही है, और थोड़े से और नीचे आने पर ये 52 वीक्स के लो हिट कर जाएगा। तो बिल्कुल सही टाइम है लेने का, लेके इसको आप बैठ सकते हैं, अच्छे आपको यहाँ से रिटर्न दे के जाएगा। ये मेरा सुझाव है, आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इन्वेस्ट करना है नहीं करना है ये आपका खुद का डिसीजन है, आपको लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो ये शेयर 36,611 का करोड़ का है। EPS 7.43 का है, और इंडस्ट्री पी की बात करें 33.85 का है। बुक वैल्यू की बात करें तो 1111 की है। रिटर्न्स इसने देखिए एक साल में लगभग -54.14 के दिए हैं, बहुत टूट चुका है अब ये शेयर। बैंकिंग का शेयर है, बैंकिंग सेक्टर का शेयर है। अब मैं इसके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि मैं पहले भी इसके बारे में एक वीडियो बना चुका हूँ, तो वहाँ जाके आप इसके फंडामेंटल्स के बारे में जान सकते हैं। मगर हल्का हल्का मैं थोड़ा बताऊँगा, उसके बाद मैं एक फ़ाइनल वर्डिक्ट दूंगा। ठीक है, अगर मैं इसके एक साल के मतलब अगर हम इसको ले कर चलें एक साल का पूरा होराइज़न, तो मार्च 2018 से 2019 में जो इंटरेस्ट जो अर्न हुआ है वो बढ़ा है। मार्च 2018 में 5742 था, अभी मार्च 2018 में 7856 गया है, तो वो बढ़ा ही है। बैलेंस शीट की अगर हम बात कर लें तो बैलेंस शीट में भी आप देखेंगे शेयर होल्डर्स फंड जो है वो मार्च 2018 में 25,758 था, अभी मार्च 2019 में 26,904, तो थोड़ा थोड़ा बढ़ गया है। अब अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लेते हैं, आ जाइए। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो इसमें बढ़ा ही है, 34,214 हो गया है मार्च 2019 में मार्च 2018 से, जो कि 25,491 था। अब अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो घटा है, 18.43 था मार्च 2018 में, जो कि 7.45 हो गया है। अब अगर हम और चीज़ों पर इधार करें, ऑपरेटिंग रेवेन्यू पर शेयर जो कि 88.01 था वो 127.97 हो गया है। नेट प्रॉफिट पर शेयर 18.34 से 7.43% हो गया है। तो ये चीज़ एक गौर करने लायक है जो कि घटी है। नेट प्रॉफिट मार्जिन्स, देखिए मार्जिन्स में दबाव पड़ा है, 20.84% से 84 से मार्च 2019 में 5.80 पे आ गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स कहाँ -4.93 था, -9.6 है, इस पर दबाव है, अभी भी इस पर दबाव है। जब तक फिगर्स नहीं बदलेंगे अच्छा रिटर्न नहीं आ सकता। अब चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात कर लेते हैं। प्लस शेयर्स 3.62% से आपका दिसंबर 2018 में अगर हम कंपेयर करें तो 3.64% है, कुछ खास मतलब चेंज नहीं आया है। प्रमोटर्स की अगर हम होल्डिंग्स की बात करें, मार्च 2018 में 20.01% थी, अभी वो 90.82% हो गई, थोड़ी सी घटी है। टोटल DI की बात करें तो 37.37% से 44.03% हो गई है। इंश्योरेंस कंपनीज़ का जो होल्डिंग्स थी वो घटी है, 14.14% से 11.04% हो गई है। म्यूचुअल फंड्स की जो फंडिंग थी वो 10.29% से 10.16% हो गई है। टोटल अगर हम अदर DIs की बात करें, 12.66% से 22.65% तक गई है। तो मतलब DIs की जो इन्वेस्टमेंट है वो बड़ी है, प्लेट शेयर्स थोड़े से बड़े हैं, और प्रमोटर्स की जो होल्डिंग्स है थोड़ी सी घटी है। फाइनल वर्डिक्ट में देना चाहता हूँ, जो आप इसको ले लीजिए, नहीं तो बाद में पछताएंगे, और उसको एक साल का टाइम दीजिए, कम से कम एक साल का टाइम दीजिए। गारंटी दे रहा हूँ ये आपको 250 से ऊपर के रिटर्न्स निकाल के दे जाएगा। यहाँ से आप 100 रुपये यहाँ से अच्छे अच्छे कमा के जाएंगे, फिर बाद में बोलेंगे सर आपने सही सही सलाह दी थी। सलाह देना मेरा काम है, लेना ना लेना आपका काम है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
और कमेंट बॉक्स में अपने अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। सब्सक्राइब करें A to Z चैनल को और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले।